बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सोबर। मैं हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज हर दिल उदास है, हर आंख अश्कबार है, हर किसी के जज्बात बोझल हैं, क्योंकि कव्वाली की जो रिवायत है उसको बरकरार रखने वाला अमजद साबरी आज हमने नहीं। अमजद साबरी साहब कल शो की रिकॉर्डिंग में जा रहे थे, किसी शो की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, जबकि उनको अटैक किया गया कराची में, लियाकताबाद में, और अटैक के बाद वो अटैक फेटल साबित हुआ और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। कराची की सूरत हाल, बिगड़ती हुई सूरत हाल, ऐसा लगता है कि तमाम दावों को धरा का धरा रखने के लिए एक चीज़ साबित कर रही है। ये चीज़ बता रही है कि कराची के अंदर जो भी दावे किए गए अब तक पूरे नहीं हो पाए। इससे पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का अगवा, उसके बाद फिर अमजद साबरी साहब का की टारगेट किलिंग, ये तमाम चीज़ें सवालिया निशान खड़े करने लग गई हैं कराची की सूरत हाल पे। दो साल से जारी कराची ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई, लेकिन एकदम से ये क्या लहर आ पड़ी कि एकदम से फिर से कराची के अमन को किसी की नज़र लग गई। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, बिलखसूस अमजद साबरी साहब के हवाले से बात करेंगे, उनकी आवाज़, उनके सुर और साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स जो वो कव्वाली के टाइम पर फील होती थी, उन तमाम चीज़ों का कोई जवाब नहीं। शायद कि ये जगह कभी पुर भी ना हो पाएगी जो अमजद साबरी साहब छोड़ गए, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों से बात करेंगे। तनवीर साहब, अमजद साबरी साहब की तारीफ तो जितनी भी की जाए वो कम है, क्योंकि कव्वाली की रिवायत आगे बढ़ाना, कव्वाली के वारिस थे ये, जिस तरीके से ये लेकर चले अपने वालिद और अपने साथी चचा की कव्वाली को, इनकी क्या कोई स्पेस कभी पूरा हो पाएगी? देखिए, ये जो फनकार होता है, फनकार किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं खरीदा जा सकता। एक फनकार को एक कमाल तक पहुँचने के लिए उसके फ़न को कई अशरे दरकार होते हैं, बहुत रियाजत दरकार होती है, इनके वालदैन की मेहनत, उसके बाद इनकी मेहनत, तब जाकर कहीं अमजद साबरी जो है वो इस मकाम तक पहुंचा कि आज पूरी दुनिया के अंदर कव्वाली का फ़न जो है इसके नाम से जाना जाता था। ये जो कव्वाली का नया चेहरा था, जो जदीद कव्वाली थी उसके अंदर, बल्कि इसको तो वो कहते थे कि ये फ़न कव्वाली के एक तरह से राग मास्टर हैं। और इस बंदे ने, वो किसी ने बड़ा सही कहा कि कव्वाली के फ़न का साबरी बाब कल क्लोज़ हो गया, अब उस ख़ानदान में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कव्वाली के फ़न से वाबस्ता हो। देखिए, ये वाक़या हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव चेंज होने की बात होती है, टीचर मारे जा रहे हैं, फनकार मारे जा रहे हैं, आर्ट से वाबस्ता लोग जो हैं उनको है। इसको क्यों मारा गया, इसके बारे में चार चीज़ों पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। क्या ये भत्ते का मामला था? क्या ये फ़िरका वाराना मामला था? क्या ये इसके इनकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, और ये ऐसा बंदा भी नहीं था जिसकी ज़ाती दुश्मनी हो। नदीम नुसरत हैं एमकेएम के, उन्होंने कहा जी कि पाक सरजमीन पार्टी ने इनको इनवाइट किया था कि शामिल हो जाए हमारे साथ, ये नहीं हुए, इनको धमकियां मिल रही थी, इसकी इतला दी गई थी। असल सवाल वो है जो आपने उठाया, ये जो तफ्तीशी टीम बन गई है, नक्श वो जारी कर दिया गया है खाका मुलजम का, या फ्रेंसिक एविडेंसेस मुकम्मल कर लिए गए, 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा, ये सब रस्मी बातें हैं। ये जो नोटिस ले लिया और तहकीकात का हुक्म दे दिया, ये ठीक नहीं है। असल बात ये है, कराची ऑपरेशन कहाँ है, कराची ऑपरेशन के नतज कहाँ हैं। हम कहते रहे हैं कराची ऑपरेशन को सस्टेनेबल बनाना ज़रूरी है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कहाँ हैं, ये कॉस्मेटिक्स इंफॉर्मेशन देती हैं, और उसके अंदर क्या अभी तक दहशतगर्दों में पेनिट्रेशन नहीं हो सकी हमारी? क्या हमारे पास अमजद कादरी के शहादत से पहले नहीं, अमजद साबरी की शहादत से पहले हमें नहीं पता चल सकता कि इनके खिलाफ ये प्लान बन रहा है? ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशन में फासले सिंध के अंदर हैं कि पुलिस और तरह सोच रही है और रेंजर और तरह सोच रही है, कायम अली शाह की और सोच है, रेंजर डीजी की और सोच है, इसी तरह से जिस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को फोकस करना चाहिए था लाइन आर्डर पे, हमने उन्हें करप्शन रोकने पे लगा दिया, नतीजा वही है। अभी तो कायम अली शाह साहब ने भी कहा कि कराची ऑपरेशन को और तेजी से आगे लेकर जाया जाए, लेकिन कराची ऑपरेशन को तेजी से लेकर जाने के अलावा अब एक और चीज हम देख रहे हैं फारूक साहब, पॉइंट स्कोरिंग होने लग गई है। जिस तरह से पोलिटिकल बात की, वो मुस्तफा अजीजाबादी साहब ने एक ट्वीट किया कि जी PSP में शमूलियत की बात की जा रही थी, नहीं, उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद फिर धमकियां आना स्टार्ट कर दी। क्या ये वक्त है पॉइंट स्कोरिंग का, पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो चलेगी,
और एम क्यू में भी आप उनके पी एस पी जो एक राइवल एक जो है पार्टी जो है वो कराची में आ गई और अपने आपको मुस्तहकम कर रही है, तो ये तो आपस में एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन तो चलेगी। लेकिन एक चीज़ भी हमने ध्यान में रखनी है, मतलब बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। साबिर साहब की जो बड़ी ट्रेजिक जो उनकी कल डेथ हुई है उसमें जारी बात है भत्ता माफी जैसे तरवी साहब ने कहा, लेकिन एक और एस्पेक्ट भी है जो लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब आई डोंट नो ये इसमें देखना वो तरीके तालिबान वालों उनकी तरफ से भी कोई एक मैसेज चल रहा है कि जनाब क्योंकि इनके खिलाफ को ब्लास्फेमी वाले रिलेटेड केसेस थे, अब दिस इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना जी, तो जनाब उसमें इनको टारगेट किया गया। अच्छा, ये जो कराची का जो फिनोमेना हमें समझना चाहिए, एक पीरियडिक आता है साइकिल ऑफ वायलेंस है। अभी आप देखेंगे कि बड़ा ऑपरेशन तेज होगा, कई मिलिटेंट्स मारे जाएंगे इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची क्योंकि उनकी बाकियात तो हैं। आज तक कराची के हवाले कभी किसी ने क्लेम ये नहीं किया कि कराची को हमने दहशतगर्दों से पाक कर दिया, कराची को टारगेट किलर से पाक कर दिया, कराची में भत्ताखोर खत्म हो गए, ये कोई क्लेम नहीं कर रहा। सब ये कह रहे हैं 60 से 70% हमने कराची में अमन जो है वो बहाल किया है। जारी बात है वो भी दिन से 3 साल पहले जब 20 से 35 लाशें रोज गिरती थी कराची में और उस वक्त और जब 10 लाशें होती थी तो कहा जाता था कराची में हालात बड़े बेहतर हो गए। तो लिहाजा एक वो भी हमने जेन में बात रखनी है। और ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है जिसमें मैंने बताया अभी वो लोगों को पकड़ेंगे मारेंगे फिर एक लल आ जाएगा, ये मैं रेंजर्स की बात करूं एजेंसीज की, फिर एक 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 रिलीफ वाला टाइम आ जाएगा, रिस्पाइट वाला टाइम आएगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके बाद फिर वो हिट बैक करेंगे। अच्छा फारूक साहब, इवन कराची में मैंने खुद जाके भी नोटिस किया कि कुछ हफ्ते पहले तक जब स्पेशली ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो जगह जगह पे रेंजर्स की तैनाती नजर आती थी, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लगता है कि रेंजर्स की कुछ तैनाती कम हो गई है, कुछ कम रेंजर्स नजर आई, कुछ कम मोबाइल नजर आई, तो क्यों हम सो जाते हैं? रेंजर्स आपने कहा तैनाती कम होगी, मैं तो ये देखता हूँ कि जिस तरह पहले स्पीड पे और होती थी फ्रीक्वेंट एपेक्स कमेटी की मीटिंग, अब वो भी मुझे बड़ा मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट एपेक्स कमेटी की मीटिंग कब हुई थी जिसमें कोर कमांडर चीफ मिनिस्टर और जनाब डीजी रेंजर्स सारे और तमाम लोग इकट्ठे बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बनाते थे। देखें इस वक्त एक बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की और मेरे ख्याल ये वो जनरल राहिल श्री को कोट कर रहे हैं कि जब तक मिलिट्री एक्शन जो है वो मैच नहीं करेंगे गुड गवर्नेंस के साथ उस वक्त इस तरह की ट्रेजिडी जो है वो होती रहेगी। असूलन तो सिंध में क्या होना चाहिए था, सिंध गवर्नमेंट में एक्चुअली वहां पे गवर्नर रूल लगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इतना सख्त कर दिया गवर्नर रूल की बात नहीं है, वहां पे बलदेती हुकूमतें बननी चाहिए थी। अगर लोकल सिस्टम होता, पता होता गली में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हैं, ये देखिए अवाम और सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल अलग अलग खड़े हैं, वरना वो जो लोग इन्फॉर्मेशन देते थे कि जनाब फलां जगह पे पुरसरार आदमी है वो सिस्टम में असर नहीं आया। पीपल्स पार्टी एमक्यू को ये कराची का वायलेंस सूट करता है क्योंकि उस पर फिर वो ब्लेम डालते हैं रेंजर्स के ऊपर के देखें जी ये नाकाम हो गए, तो लिहाजा ये एस्पेक्ट भी आपको ज़हन में ठीक है तमाम एस्पेक्ट्स रखने की जरूरत है, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि अमजद साबरी साहब जैसे एक ऐसे शख्स जिनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं उनको हमसे बिछड़ा दिया और किस तरीके से हम लोगों से अलग कर दिया गया उनको, उनका फन उनकी कवाली उसका कोई सानी नहीं। वो कहते हैं ना कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अमजद साबरी साहब भी कुछ इसी तरीके से कराची को पाकिस्तान को वीरान कर गए हैं, बल्कि फन कवाली को वीरान कर गए हैं। जिस तरीके से वो आगे लेकर कवाली का आलम लेकर चले थे उस तरीके से शायद ही कोई लेकर चल पाए। अमजद साबरी साहब हम में नहीं लेकिन उनकी आवाज़ उनका फ़न उनके का कलाम हमेशा हम में रहेगा और वो चीज़ हमसे कोई नहीं ले सकता। नाज़रीन आगे बात करते हैं, अमेरिका और भारत की बात करते हैं। हमसे बहुत सारी चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे हकूक लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अब एक ऐसा बयान दे दिया, रिचर्ड ओल्सन साहब ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बहुत सारे सवालात ने जन्म ले लिया। अफगानिस्तान के अंदर कहते हैं कि पाकिस्तान जो डर रहा है, जो पाकिस्तान के तहफ़ुज़ात हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के अंदर उसके हवाले से वो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो फारूक साहब कुछ ज़्यादा ही हैं या रिचर्ड ओल्सन साहब ये चाह रहे हैं कि हम आंखें बंद कर लें और वो भारत अफगानिस्तान में जो मर्जी करता फिर? देखिए आप बात तो बड़ी क्लियर होगी, रिचर्ड ओल्सन जो कि पाकिस्तान में 2 साल सफीर रहे अमरीका के, बिल्कुल उससे पहले वो अफगानिस्तान में थे अगर आपको याद हो, वहाँ से पाकिस्तान आए थे, अब वो स्पेशल एनवॉय हैं अपना एम्बेसडर या पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस खत्ते के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि जब वो ऐसी बात करें इसका मतलब ये है कि वो जो 2 साल पाकिस्तान में रहे या उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है, वो इस बात पे कन्विंस्ड ही नहीं है कि जनाब
अफगानिस्तान में इंडिया की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और अफगानिस्तान से जनाब इंडिया और अपना रॉ और उनके वन इंटेलिजेंस मिलके बलूचिस्तान में उन्होंने क्या किया, फाटा में क्या कर रहे हैं और कैसे तरीके तालिबान वाले जो लोग हैं उन मौली फजलुल्ला ग्रुप उनको कैसे उन्होंने पनाह दी हुई है वहाँ पर, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, मैं तो हैरान हूँ। इसका मतलब ये है कि अब आप जो मर्जी कर लें, ये अमरीका, भारत और अफगानिस्तान की अब इनके लीडर जो हैं एक इनकी आवाज़ होगी, एक इनकी बोली होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को प्रेशर में रखा जाए, सब चाहते हैं कि ये जो सी पैक के जो एडवांटेजेस पाकिस्तान को मिलने शुरू होंगे ये चीज़ इसको उनको डिनाई किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से। तो लिहाजा मैं अब ये देख रहा हूँ कि अगर ऑलसन साहब देखे ना, वो जो हमने तो यूनाइटेड नेशन जाके डोजियर दे दिए थे रॉक इन्वॉल्वमेंट के, ये यादव कुलभूषण यादव जो रॉक का पूरा नेटवर्क तोड़ा गया बलूचिस्तान में, वो भी जाके उसकी बात भी हुई, उसकी भी डोजियर तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर मदीन लोधी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये तमाम बातें उन्होंने हटाई हैं, उठाई हैं। अब अगर रिचर्ड ऑल्सन ये बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बायस्ड हैं, ये अब इंडिया की जो जुबान है और इंडिया के प्रिज्म के थ्रू ये पाकिस्तान को जो भारत इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था वो जब नाकाम हो गई तो अब अमेरिका के मुंह से तमाम और अभी जो अमेरिका ने मुंह की खाई है ये अपना न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पे, जिस तरह चाइना ने उनको स्नप किया और जिस तरह वो फेल हुए इंडिया को एनएसजी में लाने के लिए, अब आप देखेंगे इस तरह की और सख्त। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हम आंखें कैसे बंद कर लें, तनवीर साहब, पाकिस्तान कैसे ये कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के यहाँ इंडिया की बहुत सारी काउंसिलर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हैं, उसके बाद फिर एनडीएस और रॉ का नेटवर्क, वो तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, कैसे आंखें बंद कर रहे हैं? देखिए, अगर आंखें बंद नहीं करनी तो आप उन 24 कौंसल खानों के नाम बता दें जो इंडिया ने कायम किए हैं अफगानिस्तान में, और रिचर्ड ऑल्सन ने तो एक ही बात कही ना, वो कहता है कि 4 कौंसल खाने हैं इंडिया के, आप कहते हैं 24 हैं, 24 के नाम तो बताए जा सकते हैं, क्या कोई 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 आईएसपीआर हो, फॉरेन ऑफिस हो, आप हो, फारूक साहब हो, एक लिस्ट दुनिया जहान में कहीं तो होगी। एक ये है कि हम आंखें बंद कर लें और ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि ये इंडिया ज्यादती कर रहा है, अमेरिका ज्यादती कर रहा है, अफगानिस्तान ज्यादती कर रहा है और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रही है, और फैक्ट्स वो हैं जो हम अपनी आवाम को पिछले 70 साल से बताए जा रहे हैं। जब दूसरा व्यू ये है कि हम ज़रा सेंसिबल तरीके से एनालाइज करें, ये एक अमेरिकी की स्टेटमेंट है और अमेरिकी ने क्या कहा है, अमेरिकी ने कहा है कि पाकिस्तान ने वजीरस्तान में शानदार ऑपरेशन किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान को उसके सम्राट मिलना शुरू हो गए हैं। उसने कहा है कि तालिबान अमन मुजाकरात में पाकिस्तान का बहुत अच्छा रोल है, ये भी उसकी उसके जो थिंक टैंक की स्पीच का हिस्सा है। साथ उसने कहा है कि जो पाकिस्तान की सेंसिटिविटी है इंडिया के सब जो कौंसल खाने अफगानिस्तान के अंदर हैं वो लगता है कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है, और उसके ऊपर उसने फैक्ट्स बयान किए हैं, उसने कहा है 4 कौंसल खाने हैं, 24 नहीं है, ये बात वेरीफाई करना कौन सा मुश्किल काम अच्छा, है अच्छा, इसको तो बड़े आराम से आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाज़रीन को एक थोड़ा पिक्चर क्लियर जानी चाहिए, जब हम कहते हैं यहाँ से ज्यादातर बात आती है 11 या 14 की कौंसल खानों की बात आती है, चले उसकी बात मान लेते हैं कि 4 कौंसुलेट्स हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो है उनके जो सेंटर्स हैं उनको सेंटर्स कहा जाता है, ठीक है ना जी, हर एक को कौंसुलेट नहीं कहा जाता, तो ये 10-11 उन्होंने कौंसुलेट और एक सेंटर वहां पे बनाए हुए और क्यों बनाए हुए, क्या वो 24 से 11 क्या वो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, मतलब क्या वो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जाके वीजा दे रहे इंडियंस को, क्या वहाँ पे सदर अफगानिस्तान में इतनी अनिका ये है, असल बात ये है, वो जो सेंटर फारूक साहब बात ये है, देखिए पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड हो सकता है, दुरुस्त है और हमें अपने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये बात जाहिर करती है कि हम आलमी बरादरी को, अमेरिका को, हमसायों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं कर सके हैं, उनको कायल नहीं कर सके हैं, उनको समझा नहीं सके हैं, जो एफर्ट्स फॉरेन ऑफिस को करनी चाहिए वो नहीं कर सके। हम कभी कायल नहीं कर सकेंगे कि उनका एजेंडा पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ है। एक तरफ रिचर्ड ऑल्सन साहब कहते हैं कि आप अफगान तालिबान को पीस टॉक से टेबल पे लेके आए और साथ वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान पे आप हमले करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कैसे हो सकता है कि हम उनके साथ लड़ाई करें, ठीक है जी, वो काबुल की तरफ देख रहे हैं, हम उनके साथ लड़ाई करके कहेंगे आप पाकिस्तान आप हमें मारना शुरू कर दें, हम बेवकूफ है, हमारी भी अब तक कोई इंटरेस्ट है। वो नाकामियां जो अमेरिका की अफगानिस्तान में नजर आती है वो सारी की सारी हमारे ऊपर मलबा डालने की कोशिश करते हैं, वही बात है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अगर कुछ नहीं कर पाया तो उसका नाम पाकिस्तान को देने की कोशिश करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वही अमरीका है जो की एनएसजी के अंदर भारत की
बड़ी साइड लेता है, ये वही अमेरिका है जो कि सिविल न्यूक्लियर मुआहदे करता है भारत के साथ और साथ ही उसको अपना दोस्त भी बोलता है, तो हम इसकी बात को कैसे मान लें कि हमारी तशवीश जो है कुछ ज्यादा ही है अफगानिस्तान के हवाले से, जबकि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत सारी भारत और अफगानिस्तान की आपस की चीजें हो रही होती है। इंसाफ से बात करने की जरूरत है, जहां इंसाफ की बात करते हैं वहां फिर डेफिनेटली अदालतें जहन में आती है और पाकिस्तान की पहली ई कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। ई कोर्ट है क्या फारूक साहब, पहले तो ये बताइएगा ये ई कोर्ट क्या है, स्काइप के जरिए से बात करना, इस तरह से शवाहिद देना, ये पॉसिबल है पाकिस्तान जी? ये इत्तेसाब अदालत में उन्होंने को विटनेसेस हैं उनको स्काइप के ऊपर जो है ना वीडियो लिंक भी आप कह लें स्काइप कह लें, उन्होंने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है, उस पर जरा भी हुई है। तो ये एक नया सिस्टम आ गया, कानून भी इसको बैक करता है कि अगर आपको याद हो जो मेमोगेट कमीशन था तो मंसूर एजाज की वो आया था पाकिस्तान हाई कमीशन में लंदन में और वहाँ पे उसने बयान दिया था वो मेमोगेट कमीशन में, और अगर आपको याद हो जो बेनजीर भुट्टो वाला जो केस चल रहा है असासिनेशन का ATC में, तो मार्क सीगल भी उसने वीडियो लिंक के थ्रू अपना बयान जो है वो दिया था। तो ये एक नया एक प्रोसेस है जो ई कोर्ट वाला सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के वाले से मैं बात करूँ, ये ATC भाई वो कहते हैं कि जी हम ये ई कोर्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला ये मामला करेंगे तो इससे केसेस जो है जल्दी उन पर उनका फैसला हो सकेगा, विटनेसेस जो है दूर दराज नहीं आ सकते उनको एक मौका मिल जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखना है ये कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तो कई के साथ से केसेस जो हैं वो चल रहे हैं वहां पे। आप एक केस ले लें आसिफ जरदारी साहब का केस ले लें एसेट वाला, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, तारीखी पे तारीखी पड़ी, बच्चा बच्चा जानता है कि आसिफ जरदारी साहब के क्या एसेट्स हैं और वो जारी बात है सब मानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम कैसे आए होंगे। तेज करने के लिए तो कार्रवाई जो है ये स्टार्ट किया गया ई कोर्ट। पाकिस्तान के अवाम का हमारे ये जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसमें लोगों का एतमाद नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे केसेस लटकाए जाते हैं कई कई साल फैसले होते नहीं है और बीच में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो अगली अच्छी चीज हो रही है वो है ई गवर्नेंस के, जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लंदन से बैठ के वो नेशनल इकोनॉमिक कमीशन और दूसरा जो बजट वाला जो कैबिनेट मीटिंग है वो लंदन से बैठ के करते हैं। आप उनकी डेडिकेशन को भी तो सराहा है ना कि वो डेडिकेटेड है वहां सर्दी की बात भी वो कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब 2-3 महीने के लिए बाहर चले जाएं तो मामला रियासत के चलते रहेंगे। चलिए लेट्स कम बैक टू द ई कोर्ट। तन्वीर साहब ये ई कोर्ट तो बन गई लेकिन इसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि अगर जो शख्स वीडियो लिंक के सामने बैठा है उसके ऊपर कोई पीछे से दबाव तो नहीं है? नहीं देखिए दबाव तो जो सामने बैठा होगा उसके ऊपर भी होगा, उसकी तो कोई जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन बात यह है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान की पहली ई कोर्ट कायम की गई है, इसका फ़ायदा किसको होगा? वो लोग जो मरीज़ हैं, वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, वो सरकारी अफसर जो बहुत मसरूफ़ हैं, कराची के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं वो आ सकते, तो वो इस ई कोर्ट के ज़रिए अपना बयान दे सकते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जो सिक्योरिटी की वजह से ट्रेवल नहीं कर सकते, जनाब मुशर्रफ अगर नहीं पाकिस्तान आते तो कम अज़ कम वहाँ से अपना उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे पैसे बचेंगे, इससे वक्त बचेगा, इससे फैसले में तेज़ी आएगी और ये बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में एक ई कोर्ट नहीं बहुत सी ई कोर्ट्स होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा जो गवर्नेंस की बात की है उसको ये ना हो कि उधर से बयान आ रहा हो और उधर से लाइट चली जाए, कहीं डाटा जो है वायरस आ जाए और सारी कोर्ट का रिकॉर्ड ही चला जाए। ये जो तहफ़ात हैं इनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए और ये ई कोर्ट का मामला जो है इसको इससे आगे बढ़ के मेरा ये ख्याल है कि आम इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा आम आदमी को सहूलत पहुँचाना। अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, अगर आप इसके देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया और कहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो प्रोसीडिंग्स होंगी हम इसको ऑन करते हैं और इसकी ये ऐसी ही होंगी जैसे कि एक इन पर्सन आदमी पेश होता है, तो मेरा ख्याल है लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए और एजुकेट भी किया जाना चाहिए कि वो किस तरह इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अगर केस इसी तरह कई साल चलते रहेंगे और स्काइप पे और वीडियो लिंक के पर ये बयान भी चलते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है सोसाइटी का। हम तो चाहते हैं कि केसेस जल्दी उनका हल हो, जल्दी उनके लोगों को कन्विक्शन हो या जो भी इंसाफ का मामला है वो होना चाहिए। बट लेकिन वो फिजिकल प्रेजेंट होते हुए अक्सर इतना तूल ले जाते हैं तो ई प्रेजेंस के ऊपर क्या होगा? ई प्रेजेंस पे तो और भी सवाल पैदा हो जाएंगे। नहीं लेकिन ई प्रेजेंस पे देखे ना, वो जब एक लाइव वीडियो लिंक चल रही है तो उसमें जरा भी होगी, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, तो वहां तक तो बातें सही है। देखिये ऐसा तो नहीं होगा आधा टाइम यही बोल रहे होंगे आवाज नहीं आ रही। नहीं देखिये पाकिस्तान के अंदर नादरा ने ये जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लॉन्च किया है, अब तो मोबाइल उनके ऑफिस मूव कर रहे हैं, मोबाइल हॉस्पिटल चल रहे हैं,
ये टेक्नोलॉजी इंसानों की बेहतरी के लिए, इसको खुले दिल से इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए। और ये जो वकील कहते थे कि जनाब मैं आज लाहौर में एक अदालत में मुझे पेश होना है तो मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता, अब वो लाहौर की अदालत में भी पेश होगा और वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद की कोर्ट में भी अपना बयान देगा, जिससे वकीलों का काम भी आसान हो गया और जो मुद्दई हैं उनका काम भी आसान हो गया, तमाम लोगों का काम आसान हो गया, जजेस का काम मुश्किल तो नहीं हो गया, काम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा? नहीं, जजेस का काम जो है ठीक है, ये एक नई चीज है। नॉर्मली एक चीज होती है रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जब कोई नया सिस्टम आता है तो नीचे जो लोग होते हैं एहलकार और ये तमाम लोग जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि जी ये क्या कि हम लोग नॉर्मली टेक्नोलॉजी जो है उसके उस पर हमें थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन मेरा ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये तमाम कोर्ट्स में मामला शुरू हो जाएंगे, हर जुडिशियरी में शुरू हो जाएंगे तो पीपल विल गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी हो जाएंगे और साथ ही साथ ये एक सहूलत है जो कि ऐसे लोगों के काम आ सकती है जो गरीब है, इतना ट्रैवल नहीं कर सकते या फिर जो दूर हैं अदालतों से किसी जरूरी काम की बिना पर, और वो डेफिनेटली अदालत में पेश नहीं हो सकते। लेकिन वही बात कि बिजली आती रहे तो ई सिस्टम चलता रहेगा, बिजली चली जाए तो क्या करेंगे। बिजली के बारे में बात कर रहे हैं तो केपीके के बिजली के हिस्से के बारे में क्या हुआ, ब्रेक के बाद बताऊंगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिजली की बात कर रहे थे, बिजली की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा बहुत अरसे से अपने कोटे की बात कर रहा है और अब एक बार फिर परवेज खटक साहब ने यह कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को उसका पूरा कोटा पूरा हिस्सा ना मिला तो फिर वापडा हाउस बंद कर दिया जाएगा। उनकी तरफ से पहले भी और भी बहुत सारी शिकायत की बात की, लेकिन ये एक इंतहाई अहम बात है। तनवीर साहब, बड़े अरसे से खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से बात कर रहे हैं, परवेज खटक साहब की यह धमकी कहीं सही साबित ना हो जाए? देखिए, कल 505 अरब रुपए का जो केपीके का बजट था वो मंजूर किया और असेंबली में जो स्पीच की उसके अंदर उन्होंने दो तीन बातों का गिला किया। एक तो उन्होंने कहा जी वापडा हमारे 25 अरब रुपए नहीं दे रहा, दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो बिजली का कोटा है वो हमें पूरा नहीं मिल रहा, अगर पूरा मिल जाए तो हम इससे लोड शेडिंग आधी रह जाएगी। परवेज खटक साहब ने वहाँ पर बहुत सी बातें, उन्होंने कहा जी हमने शोर मचाया तो सी पैक से हमने फलां फलां मंसूबे हासिल किए, हमारा पानी दूसरे सूबे इस्तेमाल करते थे, हमने चश्मा राइट बैंक कनाल का मंसूबा हासिल किया। उन्होंने एक लंबी अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बताई। देखिए, परवेज खटक आज भी सूबे की सतह से उठ के बात नहीं करते, वो पाकिस्तान के एक सियासतदान के तौर पर क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों एक सूबे के मफादात का मुकैद, ये बुरी बात नहीं है कि वो अपने सूबे का तहफ़ करें, उनके मफादात करें, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई तो हमें दे कि जो लोग बिजली का बिल नहीं देते क्या उनको हक है कि उनको बिजली दी जाए। अब आप जूतों की दुकान पे जाते हैं पैसे देते हैं और जूता खरीद लेते हैं, खाने की दुकान पे जाते हैं पैसे देते हैं खाना खरीद लेते हैं, बिजली आप क्यों मुफ्त खरीदना चाहते हैं? फाटा के अंदर, केपीके के अंदर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वापडा हुकाम को वहाँ पे ये जो कंपनीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, इनको ये इजाज़त नहीं है कि ये मीटर लगा सके। और जब इनसे कहा जाता है कि जनाब आप पैसे मांगते हैं जितनी बिजली कंज्यूम कर सके इसका बिल दे दें, वो कहते हैं कि रिकवरी करना वापडा का काम है, लेस्को का, पेस्को का काम है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का काम है। जिम्मेदारियां अपनी अदा करने से परवेज खटक साहब कतरा रहे हैं, लेकिन जो हकूक हैं उनके हासिल करने के लिए उन्होंने आसमान साफ। अच्छा, वैसे तो वो बात केपीके की करेंगे क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन एट द सेम टाइम आबिद शेर अली साहब ने भी बहुत अरसे पहले इस बारे में बात की थी कि लाइन लॉसेज बे इंतहा केपीके में, जब तक अदायगी नहीं होगी तब तक बिजली नहीं दी जाएगी। वो देखिए, वो आपकी बात सही है, अभी शेर अली साहब का भी पॉइंट सही है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर एंड उनका भी पॉइंट सही है, ख्वाजा आसिफ साहब का, कि ये मसला तो है वहाँ पे ट्रांसमिशन लॉसेस बिल ना देना वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो ये भी कहते हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर कि हमारी कितने हज़ार मेगावाट बिजली जो है, जो ये लोग जो हमारा राइट बनता है, जो हम जनरेट करते हैं, ये भी हमें हमारा जो कोटा जो है, हमारा जायज़ जो है शेयर हमें मिलना चाहिए। एक वो दूसरा, वो कहते हैं जी पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने तो पहले कहा कि वो हमें हैंड ओवर करें ताकि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनी के जो मामला हैं इसको सारा ठीक करें। और लेकिन एक चीज़ भी आप उनको क्रेडिट दें, केपीके में पहले कभी ये चीज़ नहीं हुई, 357 उनके माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम हो रहा है, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड, जहां जहां चश्मे हैं जहां हाइट्स हैं। फारूक साहब, आप मुझे बात बताएं, वो इतनी कम क्वांटिटी है, वो कालाबाग डैम तो बनने नहीं देते, कह रहे हैं कि नौशहरा डूब जाएगा और नौशहरा पहले डूब जाएगा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, तो वो उनके माइक्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसपे कम्युनिटी 75 किलोवाट 1 मेगावाट तक बिजली जो है 200 कम्युनिटीज अपना फैमिली।
पैदा कर लेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस नहीं होंगी तो फायदा बिजली पैदा करने का? वो तो ओवरऑल फेडरल सब्जेक्ट है, वो केपी का काम नहीं, वो तो ओवरऑल, वो तो मैं, वो जो उनके माइक्रो प्रोजेक्ट है वो तो कम्युनिटी बेस्ड है उस खास एरियाज के लिए। लेकिन इन्होंने कालाबाग डैम का जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कालाबाग डैम बनाने की जो तहरीक है वो रिवाइव हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का, हम देखें हमें बड़ा इख्तलाफ है ले उनकी पॉलिसी से हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर 3 मरतबा पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पता नहीं और कितनी दफा उनको अल्लाह ताला ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, एक ये काम अपनी जिंदगी में कर दें, कालाबाग डैम के ऊपर कंसेंसस करा दें बिटवीन दी फोर प्रोविंसेस, वो कंसेंसस मुकम्मल करा दें और स्विट्जरलैंड में जिस तरह मामला शुरू हुआ स्विस अकाउंट्स में अरबों रुपए डॉलर जो है, ये दो काम कर लें तो वो फिर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इमरान खान साहब भी तो कालाबाग डैम के हामी थे, अब वो हामी किधर गए? देखिए पहले तो मैं फारूक साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे का नाम नवाज शरीफ है उसको तो कैबिनेट से पूछना होगा, पार्लियामेंट से पूछना होगा, सियासी जो अपने अलाइज हैं उनका ख्याल रखना होगा, वो उनकी ब्लैकमेलिंग का भी शिकार हो सकते हैं। जो गैर जमहूरी हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं जिन्होंने किसी को नहीं पूछना था, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो इस पे कालाबाग डैम के मसले पे प्रोसीड करते? उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में क्या किया, बाकी लोग जो थे उन्होंने इसको क्यों मतनाज़े बनाए रहने दिया? दूसरी बात यह है कि एक बंदा जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, क्या उसका हक है कि वो कहे कि मैं वापडा हाउस बंद कर दूंगा, मैं कानून को हाथ में लूंगा, मैं इस तरीके से प्रोटेस्ट करूंगा जो कि आम आदमी को भी नहीं करना चाहिए। पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो गया, NFCA, ये क्यों इतने कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स बनाए गए? इसलिए कि जो सूबे हैं जहाँ जहाँ उनके तहफ़ुज़ात हैं, माली तहफ़ुज़ात हैं, कोई और फेडरेशन के हवाले से हैं सेंटर के साथ, वहाँ इशू रिजॉल्व होने चाहिए। तो ये चीज़ें अगर वो बार बार अपना एक तहफ़ुज़ जो है रिजर्वेशन कह रहे हैं बिजली के मामले पे, तो CCI में ये चीज़ बात होनी चाहिए। धरना छोड़े, एहतजाज छोड़े, बात करें तब बातें चीजें सामने आए ना, यहाँ तो एहतजाज होता रहता सारा टाइम। देखें वो धरना फिर वो एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स का मामला, उसका KPK के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, KPK के गवर्नेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो गवर्नेंस करके दिखाएं, नया KPK बना के दिखाएं। हैव टू बी एड्रेस्ड। अच्छा जी, तमाम चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है। KPK के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली सिंध के चीफ मिनिस्टर भी हम कैसे भूल सकते हैं। साईं सरकार की बात कर लेते हैं, बात करते हैं हम कायम अली शाह साहब की। कायम अली शाह साहब की शाखर्चियों के बारे में तो हम सबको ही पता है, लेकिन अब एक ऐसी चीज सामने आ गई है जो कि और भी अजीब है। कुछ पत्थर लग गया था उनकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर, अब गाड़ी की विंडस्क्रीन तब्दील करनी है, कुछ छोटा मोटा खर्चा नहीं है नाजरीन, 18 लाख रुपए की विंडस्क्रीन आएगी और ये विंडस्क्रीन लगेगी सिर्फ और सिर्फ, अवाम सामने हैं, उनका कत्ल हो रहा है, कराची के हालात आप देख रहे हैं, यहाँ 18 लाख की विंडस्क्रीन लग रही है मर्सिडीज के ऊपर। भाई पहली बात तो ये कि उनकी कोई मर्सिडीज जो है वो 50 साल पुरानी मर्सिडीज नहीं है, सारी बात है पिछले चंद सालों में नई खरीदी गई उनके लिए। अब ये तो देखना, ये भी थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। अब कायम अली शाह साहब की मर्सिडीज की विंडस्क्रीन टूटे और आप उस पर सुजुकी कार के तो विंडस्क्रीन नहीं लगा सकते ना 50,000 रुपए की, ये किसी और गाड़ी की, ये मर्सिडीज बैंड है। मर्सिडीज बैंड के जब आप पार्ट्स लेने जाएं तो वो हजारों में होते, वो लाखों में होते हैं। शुक्र करें कि कायम अली शाह साहब ने ये नहीं कह दिया कि मेरी मर्सिडीज बैंड चेंज की जाए, मुझे एक नई मर्सिडीज बैंड ला के दी जाए। नंबर एक, देखिये आप उनको, मैं कल भी देख रहा था गौर से, देखिये सिंध असेंबली में जो उन्होंने तमाम के लिए कुर्सियां नहीं है, सोफे बनाए हैं, जिस सोफे के ऊपर कायम अली शाह साहब बैठते हैं वो पीले रंग का, भाई मैं, मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि ये कोई, वो क्या उसको बोलते हैं, ये कोई तख्त है, ये उस किस्म की चीज है जिसपे बादशाह सलामत जो है वो बैठा हुआ है। मैं ये समझता हूँ जो सिंध असेंबली के हम प्रोसीडिंग देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, काफी अरसे से, जो मीडिया में तो ये अल्फाज होता है कि ये एक मछली बाजार जो है वो बन गया, जिस तरह की वहां गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह की प्रोसीडिंग, और जो कायम अली शाह साहब ने जो हालत कर दी 8 साल में सिंध की, वो खत सिंध के वहां भुगत वो जाने। लेकिन मैं ये कहता हूँ सिंध असेंबली में हमारे जो ऑनरेबल MPs हैं, भाई इनको लकड़ी की सीट के ऊपर बैठाओ, लकड़ी की सीट होनी चाहिए। चलिए सीटों से आगे चलते हैं। तनवीर साहब, मुझे तो जब भी पैसे स्पेंड होते हैं कायम अली शाह साहब अपने शाखर्चियों के ऊपर स्पेंड करते हैं या किसी और चीज पर, मुझे तो थर के अवाम याद आ जाते हैं, उनके ऊपर कोई नहीं स्पेंड करता। देखिए एक तो ये देखना होगा कि क्या कानून ने इस बात की उनको इजाजत दी है या गैर कानूनी तौर पर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कानून में इसकी इजाजत भी हो तो हमें जरूर ये सवाल पूछना चाहिए कायम अली शाह साहब से कि आपने अगर आबाई घर जाना है तो सरकारी गाड़ी पे ही जाना है, सही। अगर सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करनी है तो सिर्फ मस्जिद ही इस्तेमाल करनी है, अगर आप मस्जिद को लेके गए हैं तो आप कैसे वजीर आला हैं कि आप अपनी गाड़ी की हिफाजत नहीं कर सके? इतना बड़ा फ्लीट आपके साथ होता है, इतने आपने पुलिस और इतना सिक्योरिटी स्टाफ है,
ये कौन बंदा आया जिसने आके पत्थर मार दिया, अगर वो कोई आपका करीबी अजीज था तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? आप अगर फर्ज कर लीजिए कि चलो किसी ने पत्थर मारा, विंड स्क्रीन के ऊपर कोई खराश आ गई, क्या उसको रिपेयर नहीं हो सकता था, चेंज करा के आपने करना है? अगर आपने चेंज भी कराना है तो ये लम्हात के अंदर, सेकंड्स के अंदर वो अप्रूव भी हो गए, वो रिलीज भी हो गए। क्या कोई आम आदमी जो कराची की सड़कों पे जा रहा हो, उसको कोई पुलिस की गाड़ी टक्कर मार दे, क्या उसके नुकसान की कंपनसेशन इस तरह होती है? क्या किसी अदालत के जज की गाड़ी को जो खराब हो जाए उसकी रिपेयर इतनी जल्दी होती है? ये जो मरात याफ्ता तबके के लिए और ट्रीटमेंट और गैर मरात याफ्ता तबके के लिए और ट्रीटमेंट, यही पाकिस्तान का बुनियादी अस्पताल भी तो याद आएगा, बिलावल साहब गए थे तो फिर एक बच्ची की मौत वाकई हो गई थी, उसके बाद फिर उसका मुंह बंद। आपने नहीं फारूक साहब, देखिए 18 लाख रुपया अगर चीफ मिनिस्टर सिंध के घर जाने का खर्चा है, ये बंदा 3 मरतबा हफ्ते में घर गया तो ये मुल्क को इतना महंगा पड़ेगा? बेहतर है घर वालों को लग्जरी कोच के जरिए कराची लाके मिला दिया करें। ये कैसे हो सकता है कि कायम अली शाह साहब जो है वो एक ऐसी मर्सिडीज बेंज में बैठे हैं अपनी गाड़ी सरकारी, जिसका जो विंडस्क्रीन है उस पर क्रैक हो निशान हो, ये उनकी शान के खिलाफ है? ये आप देखें ना, ये हमारी जमहूरियत की, जब कराची के अवाम, जब कराची के अवाम उनके सूबे के दारुल सूबे के अवाम जो है वो गर्मी से तपते हुए मजदूर मर रहे होते हैं, उस टाइम पर नहीं उनको याद आता ये 18 लाख की विंडस्क्रीन या दरख्त कट है कराची के अंदर? उनको 18 लाख की विंडस्क्रीन जो है वो बहुत, उसको आपको तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए, डजंट मैटर। देखे ना कि वो अवाम शमाम ये चीजें, आप मेरा अगर हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, सेक्रेटरी जो भी आप उसको बोले हाउस, उनको अगर वहां पे 20 करोड़ की तदीन आजाइश हो सकती है और 2 करोड़ रुपए का बाथरूम बन सकता है, तो कायम अली शाह 18 लाख के खिलाफ आपका रवैया दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो पूरा जहाज नया खरीदने की कोशिश कर रहा है, वो तो विंड स्क्रीन से बहुत महंगी बात, 2 अरब रुपए का जहाज आ रहा है। एक तरफ एक तबका ऐसा है कि जो कि शाही जिंदगी गुजार रहा है, दूसरा तबका ऐसा है कि जो कि तहफ्फुज ढूंढता फिर रहा है। और तहफ्फुज की बात करें तो पाकिस्तान जो महफूज तरीन ममालिक हैं उनकी लिस्ट में महफूज तरीन ममालिक में नहीं आता, 153rd नंबर पर आता है, आइसलैंड टॉप पर है और पाकिस्तान कोसों दूर है महफूज ममालिक में से। तनवीर साहब, वो तो वही बात है कि हमारे कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, क्योंकि बहुत सारे बाहर के अवामिल ने भी पाकिस्तान को अनसेफ बनाया, कुछ हमारी गलतियाँ कोताहियाँ। पाकिस्तान की बात इसलिए समझ आती है कि पाकिस्तान हालत जंग में है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसका रद्द अमल भी हम कई सालों से हम भुगत रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक आलमी इदारा है, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स को सामने रख के ये फैसला करता है कि दुनिया के ये जो मुल्क हैं इनमें कौन सा ज़्यादा महफूज है, कौन सा कम महफूज है। इसकी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है वो कहती है कि दुनिया भर में आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा महफूज है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जो हैरत अंगेज बात यह है कि अमेरिका भी महफूज नहीं है, बरतानिया भी महफूज नहीं है। बरतानिया 47th नंबर पे है, अमेरिका 103 नंबर है अमेरिका का, यानी अमेरिका की जो पॉलिसियाँ हैं वो अमरीकियों के लिए इनसिक्योरिटी में इजाफा कर रही हैं, ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। देखिए बांग्लादेश का 83वां नंबर है, अफ्रीका का कोई मुल्क पहले 100 नंबरों में नहीं आता है। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब के बेटे का वाक्या ले लीजिए, ये अमजद साफी का वाक्या ले लीजिए, या दूसरे खितों में जो चीज़ें हो रही हैं, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना प्रॉपर्टी महफूज है, बल्कि अब तो ये है कि कोई बंदा दूसरे मुल्क में इलाज कराने जाए तो वहाँ भी लोग जो है पीछे फिर के उसकी वीडियो बनाते हैं, आवाज़ें कसते हैं, इज्जत भी को ठीक तरह से महफूज नहीं है। जहाँ पे स्टेट ऑफ अफेयर्स इस तरह के हों तो वहाँ पे मेरे लिए ये हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान 153वें नंबर पे जो आया है। मेरा ये ख्याल है असल बात ये नहीं है कि हम 53rd पे हैं, असल बात यह है कि महफूज बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस हवाले से मेरे पास। अच्छा, और इसके अंदर जिम्मेदारी किस किस की है? जो अशराफियां हैं, जो हमारे यहाँ के हुक्मरान हैं, वो तो जहमत ही नहीं करते कि अवाम के बीच में आए, महफूज बनेगा तब ना, जबकि अवाम ने और हुक्मरानों ने एक साथ घूमना, अवाम के लिए कौन महफूज बना? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आपने कहा कि
कोई चीज यहाँ पे महफूज नहीं, लेकिन अशराफिया का पैसा महफूज है। वो यार नहीं है ना स्विस बैंक को, उन्होंने बाय ट्रांसफर कर दिया। वेरी क्लेवर, उनको पता है कि खुदा ना खास्ता कल को हालात और बिगड़ गए, उन्होंने एक पहला अपना बोर्डिंग कार्ड लेना, वो यहाँ से चले जाएंगे। जो चीजें अपना भुगतनी और वो तो हम लोगों ने करनी ना, मिडिल क्लास ने और लोअर मिडिल क्लास ने, ये तो बाद में चले जाएंगे। आइसलैंड क्यों सारी बात है बेस्ट कंट्री है ग्लोबल पीस के अमन के हवाले से, क्योंकि एक तो वो क्लोजेस्ट टू द नॉर्थ पोल है, दुनिया के बिल्कुल नॉर्थ में है, टोटल मेरे ख्याल 4-5 लाख उनकी आबादी है, 9 महीने बर्फ रहती है। अब कौन सा दहशतगर्द है जो यहाँ से जाएगा कि जाने हम आइसलैंड में जाके बदअमनी क्रिएट करें। और दूसरा उसके साथ ही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, यहाँ पे आप देखें ये जी बहुत ज्यादा पीसफुल कंट्रीज है। अच्छा, और वो वहाँ पे करप्शन लेवल बहुत लो है, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, ये तमाम चीजें अच्छी है। तो अच्छा, और दूसरा ये हमारे यहाँ हमारी पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, लेकिन अगर हमारी 153 पोजीशन है आउट ऑफ 163, हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट वाले लोग हैं वो ज्यादातर आपको नजर आएंगे प्रोटोकॉल ड्यूटी पे, वीवीआईपी ड्यूटीज के ऊपर, ये एलिमेंट भी है। लेकिन आइसलैंड को आप एक क्रेडिट दें भाई, मैं कहता हूँ 4 लाख की कौम है, लेकिन उसने क्या किया है, जैसे ही पनामा लीक्स आया है, 24 आवर्स में 1.5 लाख लोग बाहर निकले उनके कैपिटल में, 48 घंटे में उनके प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए तो बहुत अजीम मुल्क है, देखा ना, रोल मॉडल बन गया कि ऐसे ऐसे मुल्क अच्छा, वहाँ पे सिक्योरिटी की जब बात करें तो डेफिनेटली तनवीर साहब एक टेररिज्म खत्ते के अंदर बहुत ज्यादा आम है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि अगले साल हमारा नंबर कुछ बेहतर होगा? देखिए, हमें आर्मी चीफ ने ये बताया है कि ये आखिरी साल है दहशतगर्दी के खिलाफ, जो जंग है ये फैसला कुन मरहले पे पहुंच रही है, और ये भी कहा गया कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। देखिए, दो तरह के क्राइम पाकिस्तान में हो रहे हैं, एक वो जो क्रिमिनल भत्ता लेने के लिए, पैसे लेने के लिए करते हैं, दूसरे वो हैं जो दहशतगर्द हैं। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, लेकिन असल बात ये है कि ट्रेंड ये हो गया है कि सिर्फ गरीब आदमी नहीं मरता, अब जो क्राइम है ये वजीर आजम का बेटा भी अगवा होता है, चीफ जस्टिस का भी होता है। अगर हमारी लीडरशिप ये फैसला कर ले, बुनियादी फैसला, कि आज के बाद जो भी हम पे प्रेशर डाले सुपर पावर, हमने किसी और की जंग नहीं लड़नी, दबाव में भी नहीं आना, जंग भी नहीं लड़नी, ठीक है। 2000 वॉर ऑन टेरर हो गया, 2001 के बाद हम वॉर ऑन टेरर में जकड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीजें पीछे रहती जा रही है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज, खेल की एक्टिविटीज पीछे जा रही है, और म्यूजियम बनने लग गए हैं। नाजरीन, क्रिकेट का वाहिद म्यूजियम बना है बरे सगीर के दूसरे पुराने ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर बना है, और इसके अंदर क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने लेकर आई गई हैं। तनवीर साहब, मुझे तो डर है कि अभी क्रिकेट के हवाले से म्यूजियम बना है, जिस तरह की हमारी क्रिकेट की कारकर्दगी जा रही है, हमारे क्रिकेट का ही म्यूजियम ना बन जाए। देखिए, ये एक बड़ी काबिल फख्र डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, लाहौर शहर के अंदर, इसको बागों का शहर, कालजों का शहर कहते थे, लेकिन ये खेलों का शहर भी है, बहुत से नामवर खिलाड़ी यहाँ से पैदा हुए। यहाँ एक क्रिकेट की ग्राउंड है जो 130 साल पुरानी है, ये वो ग्राउंड है जो बागे जना के अंदर, जिसको जमखाना क्रिकेट ग्राउंड कहते हैं, इस ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती थी। अब वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे नादर तस्वीर रखी गई हैं, किताबें रखी गई हैं, क्रिकेटर्स की यूनिफॉर्म रखी गई है, मुख्तलिफ दौर में कैसी थी, क्रिकेट के जो लोग हैं पुराने खिलाड़ियों के ने साइन करके वहाँ पे अपने बैट बल्ले जो हैं वो वहाँ पे रखे हैं, तो एक शानदार चीज़ है। देखिए, ये वो है जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म रिलीफ फंड के लिए सिंध और पंजाब का एक मैच हुआ यहाँ पे, उसमें जो पैसे कटे हुए वो कायदे आज़म रिलीफ फंड में दिए गए। ये अंग्रेज़ों के दौर में भी यहाँ क्रिकेट खेली जाती है, और जो इसका लैंडस्केप है, जो वहाँ के, अब देखिए, नवाज शरीफ ने 2009 में इस म्यूजियम का इफ्तिताह किया था। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का म्यूजियम भी है। 2003 में बनना शुरू हुआ, 2009 में इफ्तिताह हुआ। देखिए, तो ये वो है जब प्राइम मिनिस्टर होते थे नवाज शरीफ, यहीं से उन्होंने क्रिकेट सीखी। और तमाम चीजें हमारे सामने, ठीक है जी। देखिए जी, बागी जुना ग्राउंड में अगर ये क्रिकेट म्यूजियम है, मैं समझता हूँ कि ये जगह मुनासिब नहीं है। पहली चीज ये जो क्रिकेट का हमारा हेडक्वार्टर है अपना कदाफी स्टेडियम, ये एक्चुअली वहाँ होना चाहिए, तमाम डोमेस्टिक टूर्नामेंट, फिर उसके बाद अल्लाह करे इंटरनेशनल टूर्नामेंट रिवाइव हो जाए तो सारी टीम भी यहाँ पे आए, एक्चुअली म्यूजियम होना चाहिए। लेकिन इस म्यूजियम में मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जिनको उनके मुजस्मे रखने चाहिए और मोम के मुजस्मे, जनाब शेरियार खान साहब को, नजम सेठी साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया पिछले 3-4 सालों में, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें याद रखें कि ये दो वो शख्सियत है जिन्होंने ये, तो इस तरह उन क्रिकेटर्स के मुजस्मे भी होने चाहिए। आगे आ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे मौका देना।
इसमें फिर वो जो तीन क्रिकेटर जो लंदन में जो जिनको बरतानी कोर्ट में कन्विक्शन हुई और वो वहां पे जेल गए, उनके भी मुजस्मे होने चाहिए और पूरी तारीख शायद अफरीदी साहब का भी फिर होना चाहिए वो बॉल चबाते हुए। भाई क्या बात है, बड़ी हार्मनी हो रही है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ सामने नोट किया हुआ है, शायद अफरीदी साहब की जो गेंद है जो वो खा रहे थे वो गेंद भी होनी चाहिए। सही बात है, जावेद मियांदाद का जो बल्ला है जिससे उन्होंने छक्का मारा था शारजाह में वो भी होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर होते थे, वीकेंड पे लाहौर आते थे, वहाँ क्रिकेट खेलते थे और बकायदा बॉल कराने वाले को ये कहा जाता था कि ऐसा बॉल कराओ जिसपे प्राइम मिनिस्टर छक्का मार सके। नहीं इसको कैसे सुन ले, नवाज शरीफ साहब को शौक है वो अपना एम्पायर भी उनका होना चाहिए, जो अंपायर वो रखते थे अपने मैच में ताकि उसको नवाज शरीफ साहब को अंपायर फेवर करे, उस अंपायर का मुजस्मा अपोजिशन ऐसी गेंदें कराएगी कि वजीर आजम साहब छक्का मार सके या नहीं, वो अपोजिशन ऐसी गेंद कराएगी या नहीं। देखिए बात ये है कि वहाँ पे क्रिकेटर्स की यादगारें हैं, क्रिकेट की यादगारें हैं, अंपायर्स के तस्करे हैं, इमरान खान के अंपायर का कोई जिक्र वहाँ नहीं है, शायद वो किसी और म्यूजियम में या हिस्टोरियन उसके बारे में कुछ लिखेगा कि इमरान खान का अंपायर जो है वो किस चले किसका अंपायर कब जीता है, इमरान खान साहब क्रिकेट जीतेंगे या नवाज शरीफ साहब। लेकिन इस क्रिकेट के म्यूजियम के बारे में मैं फिर बोलूंगी कि जिस तरीके की कारकर्दगी अभी हमारी टीम दिखा रही है, मुझे डर है कि कहीं हमारी क्रिकेट का म्यूजियम ना बन जाए, हमें फौरी तौर पर इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। शायकीन बहुत सारे हैं, डेफिनेटली पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसके अंदर तमाम चीज़ें साफ शफाफ रखने की ज़रूरत है। हमारे शो से आज के लिए इतना ही, हमें फीडबैक देंगे आप बाखबर सुब पे फेसबुक और ट्विटर पर, दोनों पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज़।